Bismillahir Rahmanir Rahim. Ye problem trigonometric hai, De Moivre theorem se related problem hai. Prove that 1 plus cos theta plus I sin theta whole power n plus 1 plus cos theta minus I sin theta whole power n is equal to 2 to the power n plus 1 into cos to the power n cos theta by 2 to the power n into cos n theta by 2. तो उसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल आना है. तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमको दे रखी है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा होल पावर एन प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई इंटू साइन थीटा होल पावर एन. यहाँ पर अब हम कॉस और साइन के को हाफ एंगल में चेंज करेंगे और ऐसी वैल्यू रखेंगे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए. हम लोग जानते हैं कॉस थीटा की हाफ एंगल में वैल्यू कॉस की फार्म में होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. और इसी तरीके से यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हाफ एंगल में ये वैल्यू पुट कर देंगे. याद कर लीजिए ये फार्मूले हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. तो इन वैल्यूज़ को, इन फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा की इस वैल्यू को पुट करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और प्लस आई इंटू साइन थीटा की वैल्यू हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल पावर ये एन है. इसी तरीके से दूसरा ब्रेकेट इसमें भी यही वैल्यू हमको रखनी है 1 प्लस कॉस की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और माइनस आई इंटू साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और इसकी भी पावर जो है होल पावर एन हमें दे रखी थी, इसमें हमने लगा दिया. ब्रैकेट ओपन करने पर ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस आई इंटू 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल पावर ये एन है. प्लस ऐसे ये 1 से 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई इंटू 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल पावर एन. इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2 कॉस थीटा बाई 2 को कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा बाई 2 और प्लस आई इंटू 2 बाहर हो चुका है, कॉमन ले लिया था और कॉस बाहर हो गया तो साइन बचा है साइन थीटा बाई 2 और होल पावर यहाँ पर है. प्लस ऐसे इन दोनों में हम 2 टाइम्स कॉस थीटा बाई 2 को कॉमन लेंगे तो कॉस की 2 पावर में से एक पावर बाहर होगी, तो एक पावर यहाँ पर बचेगी. माइनस आई इंटू 2 कॉस बाहर होने पर ओनली साइन थीटा बाई 2 बचा है, उसको यहाँ लिख देंगे होल पावर इसकी एन है. ये ब्रैकेट की होल पावर एन है, तो हम लोग जानते हैं अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होल पावर एन हो तो ए की पावर भी एन हो जाती है और बी की पावर भी एन हो जाती है. तो इसका यूज़ करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, यानी इसकी पावर भी एन हो जाएगी और इस ब्रैकेट की पावर भी एन हो जाएगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी 2 कॉस थीटा बाई 2 की पावर भी एन हो जाएगी और इस ब्रैकेट यानी कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई इंटू साइन थीटा बाई 2 की पावर भी एन हो जाएगी. सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर भी करना है, यानी 2 कॉस थीटा बाई 2 की पावर एन हो जाएगी इंटू इस ब्रैकेट की पावर भी एन हो जाएगी, यानी कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई इंटू साइन थीटा बाई 2 की पावर भी हो जाएगी एन. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चीज़ ये प्लस का साइन है, तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये है और ये चीज़ कॉमन है दोनों में, तो इस कॉमन को हम बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के. 2 कॉस थीटा बाई 2 की पावर एन को कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बचा है, यानी कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 होल पावर यहाँ पर एन है. प्लस ये बाहर हो चुका है कॉमन, तो ये बचेगा हमारे पास यानी कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई इंटू साइन थीटा बाई 2 की पावर एन. अब हम लोग जानते हैं कि डी मोइवर थ्योरम ये जानते हैं कि कॉस थीटा हो और प्लस आई साइन थीटा हो, यानी साइन के साथ आई हो, कोई भी एंगल हो, जरूरी नहीं थीटा हो, थीटा बाई 2 भी हो सकता है, पावर एन हो, तब इसमें साइन भी अगर प्लस हो या माइनस हो तो दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है कॉस, ये पावर का इस एंगल में मल्टीप्लाई होता है, ये डी मोइवर थ्योरम है. तो यहाँ पर हम लोगों ने डी मोइवर थ्योरम का यूज़ करना है. अगर यहाँ पर साइन जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है यहाँ पर साइन जैसे कि इस वाले फार्मूले की यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे फार्मूला, तो ये माइनस हो जाएगा. तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स कॉस थीटा बाई 2 की पावर एन इंटू, इसमें डी मोइवर थ्योरम
का यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू इसमें एंगल का इनटू हो जाएगा यानी कॉस एन थीटा बाई टू हो जाएगा प्लस आई इंटू साइन यानी इस पावर का एंगल में इनटू कर देंगे और ये साइन एन थीटा बाई टू हो जाएगा। ये तो इस ब्रैकेट में हमने डी मायवर थ्योरम लगा दी, ऐसे ही इस वाले ब्रैकेट में भी डी मायवर थ्योरम लगाएंगे तो इस पावर का एंगल में इनटू हो जाएगा यानी कॉस एन थीटा बाई टू माइनस आई इंटू साइन ऑफ एन थीटा बाई टू। अब देखेंगे ये प्लस का है, ब्रैकेट ओपन करने पर देखेंगे ये प्लस का है ये माइनस का है और प्लस माइनस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इसमें ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो टू की पावर भी एन हो जाएगी और इस कॉस थीटा बाई टू की पावर भी एन हो जाएगी। और देख रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर ये दोनों सेम क्वांटिटी बची हुई है कॉस एन थीटा बाई टू तो टू टाइम्स हो जाएंगे कॉस एन थीटा बाई टू। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि टू की पावर एन है और यहाँ पर टू की पावर नहीं लिखी तो वन होती है और क्योंकि सब में इंटू हो रहा है आपस में तो ये पावर को कलेक्ट करके लिख देंगे यानी एन प्लस वन पावर हो जाएगी एन इसकी और एक इसकी इंटू होने पर पावर ऐड हो जाती है और इसमें अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो इसको हम एन पावर को किस एक्स कॉस पे भी लिख सकते हैं कॉस की पावर एन थीटा बाई टू इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा छोड़ सकते हैं। और ये बचा हमारे पास फैक्टर कॉस एन थीटा बाई टू, उसको भी लिख दिया इस तरीके से जो हमें प्रूव करना था आ चुका है राइट हैंड साइड। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाकरुद्दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।